आज हम बात करेंगे जाने माने फिल्म अभिनेता और मॉडल जॉन अब्राहम के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। जॉन अब्राहम भारतीय फिल्म उद्योग में अभिनेता के साथ साथ निर्माता और पूर्व मॉडल भी रह चुके हैं। इनका जन्म 17 दिसंबर 1972 एक भारतीय अभिनेता और पूर्व मॉडल हैं जो बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाई देते हैं। उनकी बेहतर बॉडी के कारण वे युवाओं के बीच बहुत प्रसिद्ध हैं और कई विज्ञापनों और कंपनियों के लिए मॉडलिंग करने के बाद जॉन ने फिल्मों में अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने अपना फिल्मी डेब्यू जिस्म से किया, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू के लिए नामित भी किया गया। उनकी पहली कमर्शियल सफलता धूम रही। उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कारों में नेगेटिव रोल के लिए भी नामांकित किया गया, एक बार धूम के लिए और एक बार जिंदा के लिए। वाटर के लिए भी उन्हें खासा प्रशंसा मिली। बाबुल के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर के सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेता पुरस्कार के लिए नामित किया गया। इसके बाद उन्होंने कई अच्छी और सफल फिल्मों में काम किया। 2012 में उन्होंने फिल्म निर्माण के क्षेत्र में भी कदम रखा और फिल्म विकी डोनर के रूप में निर्माता के तौर पर भी शुरुआत की। फिल्म को आलोचकों के साथ जनता ने भी पसंद किया और यह फिल्म सफल रही। इसके बाद उन्होंने स्वयं का प्रोडक्शन हाउस भी सेटअप कर लिया, जिसका नाम जॉन अब्राहम एंटरटेनमेंट है। निर्माता के तौर पर उनकी दूसरी फिल्म मद्रास कैफे रही, जिसे आलोचकों ने काफी सराहा। वे बॉलीवुड में सेक्स सिंबल के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें इंडियन सुपर लीग की फुटबॉल टीम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के सह मालिक भी हैं। उन्हें कई बार कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। जॉन अब्राहम का जन्म केरला में हुआ था। उनके पिता मलयाली हैं और वहीं उनकी माँ गुजराती हैं। जॉन ने अपने जीवन का ज्यादातर समय अपनी माँ के साथ ही बिताया है और वे काफी अच्छी गुजराती बोलते हैं। उनके पिता का नाम अब्राहम जॉन है, जो आर्किटेक्ट हैं। उनकी माँ का नाम फिरोजा ईरानी है। जॉन का पारसी नाम फरहान है। वहीं उनके पिता के क्रिश्चियन होने के नाते उन्होंने उनका नाम जॉन रखा। उनकी एक बहन भी है जिनका नाम सूसी मैथ्यू है और उनका एक छोटा भाई भी है। जॉन ने बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल मुंबई से अपनी पढ़ाई की। उन्होंने जय हिंद कॉलेज से इकोनॉमिक्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने MMS की डिग्री भी MIT कॉलेज से प्राप्त की है। जॉन ने NRI और इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रिया रूंचाल से शादी की। उन्होंने अपना मॉडलिंग करियर पंजाबी गायक JZB के गाने सूरमा के म्यूजिक वीडियो से शुरू किया। इसके बाद उन्होंने एक मीडिया फर्म टाइम एंड स्पेस मीडिया एंटरटेनमेंट प्रोमोशंस लिमिटेड को ज्वाइन किया, जो कि बाद में आर्थिक तंगी की वजह से बंद हो गया। उन्होंने एंटरप्राइजेस नेक्सस के लिए मीडिया प्लानर के तौर पर काम किया। 1999 में उन्होंने ग्लैडरैग्स मैनहंट कॉन्टेस्ट जीता और इसके बाद वे मैनहंट इंटरनेशनल के लिए फिलीपींस गए, जहां वे सेकंड रनर अप रहे थे। उन्होंने हांगकांग, लंदन और न्यूयॉर्क में मॉडलिंग की। उन्होंने कई विज्ञापनों में भी अपनी शक्तियों को प्रकट किया और मशहूर गायकों के म्यूजिक वीडियोस में भी उनका काम देखा गया। उन्होंने अपनी अभिनय क्षमता को और निखारने के लिए किशोर नमित कपूर के स्कूल से एक्टिंग कोर्स पूरा किया अभिनेता के रूप में। अपने करियर की शुरुआत फिल्म जिस्म से की थी, जो कि एक थ्रिलर फिल्म थी और बॉक्स ऑफिस पर औसत रही थी। उनकी अगली फिल्में साया, पाप और लकीर फॉरबिडन लाइन्स थीं। इसके बाद वे फिल्म धूम में दिखाई दिए, जिसमें वे निगेटिव किरदार में थे और चोर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में उनके काम की तारीफ भी हुई और इस रोल के लिए वे इसलिए भी फिट बैठे क्योंकि बाइक राइडिंग उनका शौक है और फिल्म में बाइक राइडिंग को भरपूर रूप से दिखाया गया था। यह उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक थी। इसके बाद उन्होंने सुपरनेचुरल फिल्म काल और कॉमेडी फिल्म गरम मसाला में काम किया। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कारोबार किया। इसके बाद उन्होंने उसी साल फिल्म वाटर में काम किया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी सराहना मिली।
और 2006 के एकेडमी अवार्ड के लिए बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के एकेडमी अवार्ड के लिए भी नामांकित हुई। उसके बाद उन्होंने जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल और काबुल एक्सप्रेस में अपनी अदाकारी दिखाई। टैक्सी नंबर 9211 और काबुल एक्सप्रेस व्यापक रूप से सफल रहीं। उनकी 2007 की पहली रिलीज निखिल अडवाणी की सलाम ए इश्क ए ट्रिब्यूट टू लव थी। यह फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर असाधारण कमाई नहीं कर पाई, लेकिन विदेशी बाजार में उत्कृष्ट कमाई हुई। उसी साल उनकी दो और फिल्में नो स्मोकिंग और धन धना धन रिलीज हुईं। 2008 में उनकी फिल्म दोस्ताना बड़ी हिट बनी। इसमें अभिषेक बच्चन और प्रियंका चोपड़ा भी अहम भूमिका निभाई। 2009 में उनकी फिल्म न्यूयॉर्क भी सफल रही और उसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद उन्होंने आशाएं और झूठा ही सही में अभिनय किया, लेकिन दोनों ही फिल्में असफल रहीं। बाद में उन्होंने फोर्स, देसी बॉयज और हाउसफुल 2 में भी काम किया। फोर्स में उनकी बॉडी का उपयोग व्यापक रहा और फिल्म के एक सीन में उनकी बाइक सीन बहुत प्रशंसित हुआ। इसके बाद उन्हें रेस्ट 2 में दिखाई दिया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। उसके बाद उन्होंने आई, मी और मैम में भी अभिनय किया, जिन्हें बॉक्स ऑफिस पर कोई खास धूमधाम नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने शूटआउट एट वडाला में काम किया, जिसमें वे गैंगस्टर मान्या सूर्वे का किरदार निभाए और फिल्म को सकारात्मक समीक्षा मिली। निर्माता और अभिनेता के रूप में उनकी फिल्म मद्रास कैफे ने आलोचकों की सराहना प्राप्त की और मुख्य रूप से अच्छे वर्ड ऑफ माउथ के कारण फिल्म ने अच्छा कलेक्शन किया। बिपाशा के साथ लंबे समय तक अफेयर जिस्म फिल्म की शूटिंग के दौरान जॉन ने अपनी को स्टार बिपाशा बसु के साथ डेटिंग की शुरुआत की। वे 2011 के शुरुआती तक एक रिलेशनशिप में रहे। इस अवधि के दौरान भारतीय मीडिया ने उन्हें सुपर कपल के रूप में स्थापित किया। जॉन की वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने 1,00,000 रुपये की राशि लीलावती अस्पताल को दान की। जॉन अब्राहम की कुछ प्रसिद्ध फिल्में इस प्रकार हैं: जिस्म, साया, ऐतबार, पाप, लकीरा, फाइनर बिडेन लाइन्स, धूम, ऐलान, करम, काल, विरुद्ध, वाटर, गरम मसाला, जिंदा, टैक्सी नंबर 9211, बाबुल, काबुल एक्सप्रेस, सलाम ए इश्क ए ट्रिब्यूट टू लव, दोस्ताना, न्यूयॉर्क, सात खून माफ, फोर्स, देसी बॉयज, हाउसफुल 2, रेस 2, शूटआउट एट वडाला, मद्रास कैफे। हाल ही में उनकी फिल्में मुंबई सागा और सरदार का ग्रैंडसन रिलीज हुई हैं। इस वीडियो में कहीं कहीं मुझे बोलने में समस्या हुई है, इसके लिए मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। कृपया करके मेरी इस गलती को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, मैं आपकी बहुत आभारी रहूँगी। धन्यवाद जी। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल की सदस्यता लेने के लिए राइट साइड में दिखाई देने वाले बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। SVP बायोग्राफी जीवन परिचय। धन्यवाद जी। आपका दिन मंगलमय शुभ हो।